हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का हमारा प्लॉट है 13:60। डिटेल स्क्रीन पर गिवन है, ये इसका एलिवेशन है। और ये घर इतना बजट में बनाया गया है कि आपको फर्स्ट फ्लोर तक ही इसमें 4 बेडरूम्स मिल जाएंगे, जबकि आपके पास 6 का ऑप्शन है। अगर आपको ये सेम प्लान चाहिए या इस प्लान से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो ऊपर दिए गए किसी भी नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चेंज करा के इसको खुद के लिए बनवा सकते हैं। बिल्कुल छोटे से अमाउंट का फ़ीस देके आप पूरे प्लान को पा सकते हैं। और हमने इस घर को फर्स्ट फ्लोर तक 4 बेडरूम में डिज़ाइन किया है, जबकि हमारे पास 2 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम्स का ऑप्शन है। काफ़ी सिंपल लुक में इसका बाहर का भी एलिवेशन और अंदर से भी रखा गया है काफ़ी बजट के अकॉर्डिंग, पर हमें हमारे क्लाइंट के हिसाब से उतना ही बनाना था। तो अभी एंट्री करते हैं। मेन गेट से हमें मिल जाएगी एक बड़ी कार पार्किंग और राइट साइड में मिल जाएगा सीटिंग एरिया। सामने है हमारा गेस्ट रूम, तो एंट्री करते हैं। अभी गेस्ट रूम के अंदर एक बड़ा सोफ़ा प्लेस किया गया है, सामने टीवी यूनिट और वुडन पार्टीशंस के साथ कुछ डिज़ाइन लिविंग एरिया में जाने के लिए। टर्न करेंगे तो एक मिल जाएगा बड़ा मिरर ड्रेसिंग पर्पस के लिए और एक अटैच वॉशरूम जो सिर्फ गेस्ट पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका वेंटिलेशन बाहर साइड से हो जाएगा। अब बाहर चलते हैं यहाँ से हमारे लिविंग एरिया की तरफ। तो लिविंग एरिया में आपको मिल जाएगा 6 लोगों के लिए एक डाइनिंग टेबल, जिसको काफ़ी मॉडर्न और सिंपल लुक में रखा गया है। ऊपर कुछ लाइट्स, इतने कम बजट में इतना लग्जरी लुक पूरे YouTube पर कहीं नहीं हो सकता और इतने कम स्पेस में इतने ज़्यादा रूम्स। उसके बाद भी हमारे पास इतनी जगह है कि हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अगर हमारा बजट हम बढ़ाएं तो। अब एंटर करते हैं हम हमारे किचन की तरफ। तो किचन को काफ़ी सिंपल और मॉडर्न लुक में रखा गया है, जितना सिंपल होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे कैबिनेट्स दिए गए हैं, मोर देन इनफ ही है। और यहाँ से टर्न करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा बेडरूम नंबर 1। एंट्री करते ही हमें बेडरूम के अंदर बेड के पीछे मिल जाएगी कुछ पैनल्स, साइड में बड़ा वार्डरोब और सामने हमारा LED। सिंपल वॉलपेपर्स का ही यूज़ है इस रूम में। और अंदर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक बड़ा मिरर और मेकअप यूनिट ड्रेसिंग पर्पस के लिए। टर्न करेंगे इसके साथ ही इसमें आपको मिल जाएगा अटैच वॉशरूम, इसका भी वेंटिलेशन बैक साइड से हो जाएगा। अभी देखते हैं, तो रूम से निकलेंगे, बैक साइड से जाएंगे। अभी बैक साइड में हमने 6 फीट वाइड स्पेस रखा है, क्योंकि ये गेट हमारा दूसरी साइड भी है, यहाँ से भी कनेक्ट है। ऊपर जाल भी दिया गया है OTS के लिए और यहाँ पे आप अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। तो वापस अब इस रूम में जाएंगे। इस घर का डिज़ाइन और इंटीरियर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हमारे एक और मॉडर्न बेडरूम में। तो ये है हमारा बेडरूम नंबर 2। एंट्री करते ही इसमें आपको मिल जाएगा एक बहुत ही शानदार पैनल, जो बहुत मॉडर्न लुक में डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी सिंपल भी है। साइड में मिल जाएगी वॉर्डरोब विद मिरर और सामने एक TV यूनिट। और राइट साइड टर्न करेंगे तो इसमें भी हमें मिल जाएगा एक अटैच वॉशरूम, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे गेस्ट रूम के अलावा 2 बेडरूम और दोनों में अपना अपना अटैच वॉशरूम विद प्रॉपर वेंटिलेशन। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो लेफ़्ट टर्न करेंगे, हमें स्टेयर्स मिल जाएंगी। ऊपर की साइड चलते हैं।
ऊपर पहुंचते ही आपको सबसे पहले मिल जाएगा एक पूजा यूनिट, जहां पूरी फैमिली एक साथ बैठकर पूजा वगैरह कर सकती है। इतना स्पेस है हमारे पास। और ऊपर दी गई है डबल हाइट पे लाइट्स। हमारा ये प्रोजेक्ट गांव के लिए हमने डिज़ाइन किया था, क्योंकि रिक्वायरमेंट और हमारी कंडीशंस वहीं की थी। तो आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा अगर बजट के अकॉर्डिंग चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब चलते हैं बेडरूम नंबर 3 में। इसको बेसिकली हमने किड्स के लिए डिज़ाइन किया है और रिक्वायरमेंट भी थी कि एक किड्स रूम चाहिए। तो इसके राइट साइड में आपको मिल जाएगा एक वार्डरोब, जो कि काफ़ी सिंपल और अच्छा डिज़ाइन किया गया है। और सामने एक स्टडी टेबल, इसमें हमने टीवी यूनिट प्लेस नहीं किया है। और इसमें से निकलते ही आपको मिल जाएगी एक बड़ी बालकनी, जो आपने एलिवेशन के डिज़ाइन में देख ही लिया होगा। यहाँ पे आप हैंगिंग चेयर्स और कैसे भी बैठ सकते हैं, कैसे भी सिटिंग प्लेस कर सकते हैं। और यही बालकनी हमारी अटैच है रूम नंबर 4 से। तो ये है हमारा बेडरूम नंबर 4। एंट्री करते हैं। सिंपल पैनल्स रखे गए हैं इसमें, बड़ा वार्डरोब और सामने टीवी यूनिट विद अ लॉट ऑफ स्पेस। टर्न करेंगे तो इसमें भी मिल जाएगा हमें एक बड़ा मिरर ड्रेसिंग पर्पस के लिए और एक अटैच वॉशरूम, ताकि निचले फ्लोर पर ना जाना पड़े अगर किसी को वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो। और ये किड्स रूम में भी काम आ जाएगा। अभी यहाँ से निकलते हैं तो हमने पीछे एक स्लाइड डोर दिया है, आप चाहे तो नॉर्मल भी दे सकते हैं। वो हमें हमारा ओपन टेरेस से कनेक्ट करता है। यही वो जगह है जो हम बता रहे थे कि इसमें हम 2 बेडरूम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, वो भी पर्सनल और अटैच वॉशरूम्स के साथ और अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो यही था हमारा प्रोजेक्ट आज का, जिसको हमने जितना हो सके उतना बजट फ्रेंडली बनाया है। आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस प्लान को बाय कर सकते हैं।